तो अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको भगवान बुद्ध की एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनने से आप प्रेरित हो जाएंगे। भगवान बुद्ध को तो आप सभी लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार करते हुए एक जंगल में से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को भूख प्यास से तड़पते उन्होंने देखा। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और पानी पानी चिल्ला रहा था। भगवान बुद्ध वहां रुक गए तथा शिष्यों से कहा, प्यास के मारे यह कुछ देर में ही दम तोड़ देगा, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान ने कहा कि एक एक करके अपने तर्क बताओ मुझे। एक शिष्य ने कहा, भगवान इसे परम तत्व का ज्ञान प्रदान कर दें क्योंकि इसका ये जीवन का अंतिम क्षण है। दूसरे शिष्य ने कहा कि हे भगवान, आपका पावन स्पर्श होते इसे मोक्ष मिल जाएगा, इसका जीवन सार्थक हो जाएगा, अतः आप इसे आशीर्वाद दें। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, इसे इस समय ज्ञान और मोक्ष की जरूरत नहीं है बल्कि भोजन और जल की आवश्यकता है। ज्ञान और मोक्ष तो बाद की चीज़ें हैं। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी गोद में उठाया, उस व्यक्ति को, और जल के उसकी आंखों पे छींटे मारे और उसको ठंडा जल पिलाया और उसके बाद उसको कुछ फल खिलाए। जैसे ही उस व्यक्ति के गले में पानी उतरा और थोड़ा फल गए तो वह व्यक्ति आंखें खोल के लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। जल पीते ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा, एक तेजस्वी विभूति को खड़ा देखा। वह स्वयं खड़ा हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़ा और कहने लगा दोनों हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो मुझे नया जीवन प्रदान किया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि वत्स, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, हमें इसे सत्कार्यों में लगाकर सार्थक करना चाहिए। और तुम अभी जवान हो, मेहनत करो, सत्कर्म करो और अपने शरीर को बेकार ही व्यर्थ में मत गवाओ। शिष्य समझ गए कि भूखे प्यासे व्यक्ति को ज्ञान व मोक्ष की नहीं बल्कि भोजन और पानी की आवश्यकता है। तो देखा दोस्तों, आप सबने, महात्मा बुद्ध हमारे लिए इतने प्रेरित, इतनी करुणामयी, इतनी प्रेरित, इतनी ज्ञान दर्शक कहानियाँ छोड़ कर गए हैं कि जिनको अपनाने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी अपने मन में दया भाव रखें। गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए पानी का जल की व्यवस्था करें, उनको कटोरे में पानी रखें, उनको दाना पानी रखें। जब हम दया करते हैं तभी धर्म की उत्पत्ति होती है। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।